हेलो फ्रेंड्स, मावी भांजी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सबकी पसंदीदा मिठाई बालूशाही। घर में बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगी फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम आपके साथ ये रेसिपी शुरू करते हैं, तो हम चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं लेती हूँ एक चौड़ा सा बर्तन, उसमें मैं डालूँगी ये मैदा। तो मैदा मैंने ली है 1.25 कटोरी, ये 1.25 कटोरी हो चुकी है। और इसमें मैं अब डालूँगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं डाला है। और 1 चुटकी मैं इसमें डालूँगी नमक, नमक से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें मैं शुद्ध घी डालूँगी, मोवन में हम शुद्ध घी डालेंगे, इससे ये हमारी बालूशाही बहुत टेस्टी बनेंगी। और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक डो तैयार करेंगे। और इसको अच्छे से नीड नहीं करेंगे, बस हमें इनको मिलाना है, मिक्स करना है। तो इस तरह हम पानी डालते हुए एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे, टाइट डो नहीं बनाएंगे, इससे हमारी बालूशाही बहुत सॉफ्ट बनेंगी अंदर से। तो देख सकते हैं हम इस तरह से इनको मिलाते हुए एक डो तैयार कर लिया है और एकदम चिकना नहीं बनाया, देखिए इस तरह से। और 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। और अब हम जब तक ये रेस्ट हो रहा है तब तक हम चाशनी बनाएंगे। तो मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। और मैं इसमें डाल दूँगी 500 ग्राम शक्कर, शक्कर घुल जाए तब तक मैं इसको चलाऊंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 इलायची जो मैंने कुचल दी है, पाउडर नहीं डाला है, इलायची डाली है। तो देख सकते हैं हमारी शक्कर घुल चुकी है। और अब मैं इसमें 2-3 बूंद नींबू के रस की डाल दूंगी और थोड़ा सा मैं डालूंगी कलर। अगर आपके पास कलर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसको इस तरह से पकाते हुए हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, चाशनी को हमें मीडियम रखना है। तो हम देखेंगे चाशनी हमारी तैयार हुई या नहीं। तो इस तरह हम प्लेट में डालेंगे, बिल्कुल परफेक्ट हमारी चाशनी बन के तैयार है फ्रेंड्स। अब मैं गैस बंद कर दूँगी और हम अपना आटा देख लेते हैं। तो ये हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है और अब हम बालूशाही बनाएंगे इसकी। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए, छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से बना सकती हैं। और बस इनको गोल गोल घुमाते हुए बस इस तरह हम दबा देंगे और एक बेलन की मदद से इसको छेद कर देंगे इसमें, इससे कि ये जब हम सेकेंगे ना तो ये अच्छे से पक जाएंगे अंदर तक। ऐसे हम सारी बालूशाही बना के तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारी सारी बालूशाही बन गई है। और हमने गैस पे एक पैन रखा है चौड़ा सा, वो इसमें मैंने शुद्ध घी डाला है फ्रेंड्स। आप चाहें तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब देखिए मैं थोड़ा सा इसमें मैदा का टुकड़ा डाला है, बस इस तरह से घी मुझे चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी बालूशाही, तो एक एक करके हम इसमें बालूशाही ऐड कर देंगे। जिसमें जितनी आ सकती है उतनी मैं उसमें डाल दूंगी। तो देखिए बहुत ही स्लो गैस है, आप देख सकते हैं जरा जरा से बबल्स उठ रहे हैं इसमें। और ये देखिए 2 मिनट बाद ही ये अपने आप ही ऊपर आ चुकी हैं। अभी मैं इनको पलटूंगी नहीं, अब मैं एक फॉक की मदद से इनको पलट रही हूँ क्योंकि ये 5 मिनट हो चुके हैं इनको। और देखिए ये पीछे थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर दिया है इन्होंने और इनको
को अलट पलट करके हम सेकते जाएंगे। बहुत कम गैस में सेकेंगे फ्रेंड्स, इसलिए ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर अच्छे से सिक जाएंगे, जिससे कि हमारी चाशनी भी इनमें अंदर तक जाएगी। तो एक बैच सेकने के लिए हमें समथिंग 15 मिनट लग चुके हैं और ये हमारी बालूशाही अब ऑलमोस्ट सिक चुकी हैं और इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। अब मैं ये बालूशाही को जो मैंने चाशनी बना के रखी थी उसमें डाल दूंगी, और चाशनी हमारी गर्म ही है, ठंडी नहीं है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो उसको थोड़ा गर्म कर लें। और देखिए अभी बालूशाही हमारी थोड़ी तैर रही है ऊपर को, लेकिन जैसे ही इसमें चाशनी जाएगी ये थोड़ी नीचे को बैठ जाएंगी और इसमें अच्छे से चाशनी चली जाएगी अंदर तक। तो देखिए हमारी चाशनी इसमें बहुत ही अंदर तक जा चुकी है और ये अंदर बैठने लगी है। अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी बालूशाही कितनी टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनी हुई है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें लगाऊंगी थोड़े थोड़े पिस्ता के टुकड़े, थोड़ा सा मैं लगाऊंगी इसमें बर, जिससे हमारी बालूशाही दिखने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। और देखिए हमारी बालूशाही बनके तैयार हैं। आपको कैसी लगी हमारी बालूशाही बनाने की रेसिपी, और मैं आपको ये बालूशाही तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से बहुत क्रंची और अंदर से एकदम से सॉफ्ट बनी हुई है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।